लोकसभा में नेताजी, शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जातीय गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जातीय गणना नहीं कराई। जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था, आज सिटी स्कैन है, MRI मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने जातीय गणना नहीं कराई। आज क्यों जातीय गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। जो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे वो नहीं दे पाए हैं, और आज भी किसान गरीबी में है और नौजवान मजबूरी में है, पलायन का रास्ता अपना रहा है और मध्य प्रदेश छोड़ करके दूसरी जगह नौकरी करने जा रहा है। जो लोग डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, आज बताइए, खेतों को नहीं बचा पा रहे हैं, आय नहीं बढ़ा पा रहे, फसल बीमा का आप पता कर लीजिए, किस्त ज्यादा ले रहे हैं, और जो किसान को समय पर सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो आखिरकार किस्त इतनी क्यों वसूली जा रही है? क्या कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वसूली हो रही है? तो ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच में, हमें उम्मीद है पिछड़े, दलित, आदिवासी सब मिलकर के और अल्पसंख्यक भाई मिलकर के समाजवादियों को जिताएंगे। जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है कि PDA ही NDA को हराएगा, हमें उम्मीद है कि सभी लोग साथ आकर के जो आवाज दिए समाजवादी पार्टी ने कि जाति जनगणना हो, जाति की आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। नीतीश जी का जो बयान चला है, देखिए वो बात खत्म हो गई, नीतीश जी की बात बहुत पुरानी हो गई और अब उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जी, राहुल जी ने कहा एक्सरे कराएंगे समाज का, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए समय, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था, आज सिटी स्कैन है, MRI मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में, 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज MRI सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, सबसे पहले जातीय गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातीय गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी, शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जातीय गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जातीय गणना नहीं कराई। आज क्यों जातीय गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है, वो पिछड़े, दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े, दलित, आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।